कैंपस है, तो थोड़ा सा स्कूल कैंपस है। एक झलक बांग्लादेश का वो भी दिखा रहा था मैं आपको, बनानी और गुलशन वो दिखा रहा था आपको, वो एकदम ऊंची ऊंची इमारतें। और बांग्लादेश का और एक झलक है ये, मुंबई में रहते थे, मालेगांव में रहते थे, तो वहाँ पे वो साड़ी का बिजनेस करते थे। तो मिलकर अच्छा लगा जॉय भाई आपसे, संदीप फ्रॉम इंडिया, अच्छा जॉय बांग्लादेश। तो चलिए, सबसे खुशी की बात ये होता है कि दो देश के लोग जब आपस में हैंडशेक करते हैं। तो अंकल बता रहे थे अभी, देखिए अंकल कभी कर रहा हूँ कभी भाई कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कह रहा हूँ मैं, बाबा मार्केट देख लेते तो अच्छा होता, अगर नहीं है फिर भी पैसा वसूल है भाई। मुझे तो वो ब्राज़ील की अमेज़न याद आ गया। देखिए जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर जो लोग एक्चुअली टाउन से आते हैं ना, उनको ये थोड़ा अलग लगेगा। हमारे क्लास में भी कोई मॉनिटर हुआ करता था, याद आ गई यार। चलो, सबसे खास बात ये होने वाली है कि आज रात मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। यार इतना दूर आया हूँ, एक तो तोड़ के खाना पड़ेगा। अभी छोटे छोटे हैं ये, बहुत ही छोटे छोटे हैं, पर ट्राई करते हैं कैसा लगेगा। पका नहीं है पूरी तरह से, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। यार मुंह खराब हो गया, पकने देना चाहिए यार, पकने देना चाहिए इसे, बिना पके खाओगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। यार कितना अच्छा लगेगा ना जब इसके नीचे से बोट जाएगा, ठीक इसके नीचे से बोट जाने वाला है। ये अभी काम चल रहा है, नहीं तो ये नीचे वाला लकड़ी निकल जाएगा, फिर यहाँ नीचे से बोट जाएगा। चलिए NTPS के वो होटल रूम देखते हैं कैसे हैं। ये एक ब्रिज है, देखिए कुछ है अंदर, ये भी शायद एक होटल है, उसका काम चल रहा है अभी। मुझे यार थोड़ा थोड़ा ना कोलकाता जैसे फीलिंग आ रहा है। यार कुछ हो ना हो यहाँ पे, ये पानी के पास जो बुशेस हैं उसमें सांप वांप रह सकते हैं, तो थोड़ा बच के। यहाँ चाचा काम कर रहे हैं, ये देखिए पपीता, और यहाँ तक के प्यारा बागान शेष हो जाते ना। एटा कि आपने पर्सनल निजे दर एटा ओ हाँ खास नहीं रहा। ये देखिए पपीता सब बड़े अच्छी साइज हैं, देखिए भाई मैं क्या दिखा रहा हूँ, दिखाने लाया था आपको गुआवा और दिखा रहा हूँ पपया। चलो, सबसे ख़ास बात ये होने वाली है कि आज रात मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, इसके लिए बड़ी मुशक्कत करना पड़ेगा मुझे। मुझे लग रहा है कि यहाँ के लोकल लोगों से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर अलग कंट्री से होता तो फिर अलग बात है। बांग्लादेश के अंदर ना थोड़ा लोग चौकन्ने रहते हैं, या फिर पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्यों सोना चाहते हो। ये एक होटल या कैंटीन जैसा बनेगा, ये लोकल लोग आ रहे हैं सामने से, देखिए लोकल।
तो थोड़ा उम्मीद की आस जगी है, क्योंकि मिठू भाई जो है वो बोल रहे हैं कि सामने एक मार्केट है जहाँ पे डेली मार्केट लगता है, तो अभी हम वहाँ जाने वाले हैं। देखिए, आप अगर ना सिटी से बिलोंग करते हैं, टाउन से बिलोंग करते हैं ना, तो फिर आपको ना ये बोट पे खड़ा होना बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपके अंदर। मैं यहाँ पे 2-3 बार फिसल चुका हूँ। अपने बैग को यहाँ पे रख दिया है। तो ये एक और एक गार्डन है। देखिए, उस गार्डन से ज़्यादा इस गार्डन में आपको मज़ा आता है। अच्छा, ये गार्डन है, इनको नाम अच्छे सब। रियान प्यारा पार्क एंड पिकनिक स्पॉट, आदम काठी, कुड़ियाना, नेछाराबाद, फिरोजपुर। देखिए, जो लोग पूरे इंडिया से देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये देखिए बिल्कुल इस तरह का मार्केट लगता है यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा मार्केट लगता है ऐसे। पर खैर, अभी तो कुछ नहीं है। तो जो लोग इंडिया से देख रहे हैं बिसाइड कोलकाता, तो उनके लिए बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है ये बंगाली में लिखा हुआ है, और इसमें लिखा गया है रियान प्यारा, प्यारा मतलब गुआभा पार्क एंड पिकनिक स्पॉट। और इसका एड्रेस है आदम काठी, कुड़ियाना, नेछाराबाद, फिरोजपुर। और ये उनका मोबाइल नंबर है कॉन्टैक्ट के लिए। किशन दिए कि चाहिए मैं सामने दिखे अच्छा। एगो कि आगे छो ना ना कि रिपेयरिंग होच्छे एगो रिपेयरिंग होच्छे आगे छो। ওপাশে যাওয়ার জন্য ওই ওইটা কোনটা ওইটা চলেন তাহলে। ফুল কি গাছ এটা? পিয়ারা পিয়ারা কিছু এরকম এখন এরকম না না মানে সিজন না এখন। আর এক রেস্ট এরিয়া হ্যাঁ। আচ্ছা, এগুলো তো ইন্ডিয়াতে আছে। হ্যাঁ, আবার ইন্ডিয়া মে হ্যাঁ তরহ কা ফুল হতো। দেখি, these all are made from coconut leaves. আচ্ছা, যে ব্রিজটা বললে ওই সামনে ওইদিকে ওই যেটা হচ্ছে না, কলকাতা বাড়ি, কিন্তু থাকি হচ্ছে উড়িষ্যায়, ঠাকুর পুকুর। আচ্ছা, বেহালা। तो भाई, यहाँ पे जिस बंदे से मेरा मुलाकात हो रहा है वो ठीक ना ठीक इंडिया से उनका कनेक्ट है। तो भैया, नाम की जॉय। आपने এখানে কি মানে এই কার্পেন্টারের কাজে আছেন নাকি? এটা আমার রিসর্ট। ওই, এটা আপনারই? আপনি তাহলে ইয়েতে আছেন মানে ওনার? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখানে যখন মানে সিজনে আসবে লোক, তো কি চার্জ দিতে হয় এর জন্য? হ্যাঁ। কত চার্জ থাকে? 30 rupees। 30 rupees পার পার্সন? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এখন এরকম কোনো চার্জ নেই, তাই তো? তো ইয়ে অ্যাকচুয়ালি ওনার হ্যাঁ। তাহলে আপনাদের ব্যবসা বলতে গেলে এই পেয়ারা না অন্য কিছু আছে? পেয়ারা। আর পিকনিক স্পট যেটা বলছেন, ওইটা ওই যে পেয়ারার সিজনে বা পরে যখন আসে মানুষজন পিকনিক টিকনিক করে, এখানে পিকনিক মানে করতে আপনি ভাড়া ভাড়া দেন বোধ হয়? ভাড়া দিই। আচ্ছা, ওগুলো কিরকম কি খরচা থাকে?
ধরেন এটা জোন প্রতি একটা হিসাব হয়, ধরেন 50 জন লোক এলাম ধরেন পিকনিক, এটা সকাল আসলে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকলে ধরেন 2000 টাকা এরকম 50 জনের উপর। তো ইয়ে ভাই সাহেব ইনকা বিজনেস হ্যায় মানে সোর্স অফ ইনকাম ইয়ে হ্যায় কি ইয়াহাঁ পে গুয়াভা ও বেচতে হ্যায় প্লাস জো ইসে পিকনিক স্পট ভি কাহা জাতা হ্যায় কি লোক ইয়াহাঁ পে আতে হ্যায় পিকনিক বানানে কে লিয়ে আর পার 50% মান লো কি 50 লোক আ রে হ্যায় ঘুমনে কে লিয়ে তো উনকো ইয়ে চার্জ করতে হ্যায় সুবহ সে শাম তক কিতনা বোলে ভাই सुबह से शाम तक मैं सकाल से संध्या अवधि 2000 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं भाई। देखिए बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइस है। ये देखिए नया ब्रिज बन रहा है अभी यार, मैं जब भी जाता हूँ ना तभी भी तभी कोई ना कोई ब्रिज बन रहा होता है या फिर बंद रहा होता है, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? किसी बोल अपनी हाँ क्लियर है ना जाती ना दिखता है। तो ये अभी भी काम चल रहा है उस तरफ। তো এই পুরো জায়গাটা আপনি লিজ না নিজেরই? লিজ না হয়েছে। এই কাঁদিতে না আমি তো পারি না। কি নাম বলে আপনার? জয়। জয় আপনি হিন্দু? হ্যাঁ। আচ্ছা এই পাড়াতে যত সব লোক আছে সব হিন্দু আছে না? আচ্ছা तो मिलके अच्छा लगा जॉय भाई आपसे। संदीप फ्रॉम इंडिया। अच्छा जॉय बांग्लादेश। तो चलिए सबसे खुशी की बात यह होता है कि दो देश के लोग जब आपस में हैंडशेक करते हैं। और हमारे मिठू भाई वहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, देखिए बड़ी अच्छी हवा चल रही है इधर। फेसबुक ना यूट्यूब है। একলা চলো রে, হ্যাঁ একলা চলো রে, ট্রাভেল ব্লগিং বলবে তাহলে চলে আসবে। তা মিঠু দাদা কি যাওয়া যাবে এবার? হ্যাঁ যাওয়া যাবে। দেখি ইহা সে উতরনা থোড়া ক্রিটিক্যাল হয়ে যায়গা কিউকি ইয়ে জো মিট্টি হ্যায় না ইয়ে ফিসলন ওয়ালা মিট্টি হ্যায়। চলিয়ে চলতে হ্যায় জয়দা, মিলকে আচ্ছা লাগা আপসে। আপসে বহুত থ্যাংক ইউ। चलिए ये देखिए और एक बोट है जहाँ पे ये लोग रह भी सकते हैं। खाने पीने का सामान इसके साथ लाद कर मान लो कि दो दिन तक दूर जा सकते हैं अभी। चलिए जोयदा को अभी अलविदा कहते हैं और सामने निकलते हैं, थोड़ा आगे मार्केट की तरफ चलते हैं। बड़ा शांत सा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ज़्यादा भीड़ रहता या फिर गुआवा का मार्केट ऐसे नाव में व्यापार होता। ये बड़ा सा बोर्ड तो ये एक्चुअली एक लेक है जो कनेक्ट होता है जाके संध्या रिवर से। ये देखिए मंगूज। नहीं मोंगूज नहीं, शायद उसे लिजार्ड कहते हैं या फिर कुछ मॉनिटर कहते हैं उसे। मोंगूज तो उसे कहते हैं ना नेवला को, ये मॉनिटर है। हमारे क्लास में भी कोई मॉनिटर हुआ करता था, याद आ गई यार।
देखिए भाई एक बात तो है, क्योंकि मुझे अभी वो गुआवा मार्केट तो देखने को नहीं मिला, पर जो मुझे शांति मिल रही है ना वो अलग लेवल की है। क्योंकि देखिए कोई नहीं है, बस मैं अकेला हूँ और अकेले ही ऐसे केनाल से निकल रहा हूँ मैं। देखिए जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर जो लोग एक्चुअली टाउन से आते हैं ना उनको ये थोड़ा अलग लगेगा। ये बीच से केनाल और उसके दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। और पूरे केनाल के साइड साइड में आप देखिए वहाँ पे सब घर हैं लोगों का। भाई मुझे तो वो ब्राज़ील की अमेज़न याद आ गया। देखिए माहौल देखिए आप किस तरह का माहौल है, पूरा अंधेरा सा है, सूरज की रोशनी यहाँ तक डायरेक्टली नहीं पड़ सकती। देखिए अंधेरा छांव है ज़्यादा, बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ की छांव गिर रहे हैं और उसके नीचे से ये अपना किनाल। सच बताऊँ यार मेरा तो जितना पैसा इसमें लगा है पैसा वसूल हो गया भाई, सच बताऊँ पैसा वसूल हो गया। मुझे वो गुआवा मार्केट देख लेते तो अच्छा होता, अगर नहीं है फिर भी पैसा वसूल है। तो ये है बड़ीसाल का रूरल एरिया, ऐसे ही रूरल एरिया में मैं सफ़र करना चाहता था। अच्छा এখানে কি সবার কাছে এক একটা প্রাইভেট বোট থাকে নাকি? हर एक आदमी के पास यहाँ एक बोट रहता है आने जाने के लिए। ना ना भय ना, हाँ এরকম তো হয় না, জব বড়ে বড়ে এসে ট্রলার বগেরা গুজরতে হ্যাঁ তো ওয়েভস হো জাতা হ্যায় আর এসে ছোটে ছোটে ম্যানুয়াল জো বোট হতা হ্যায় ও থোড়া দহল জাতা হ্যায় এসে ওয়েভস মে। তো অঙ্কল বতা রে থে অভি দেখি অঙ্কল কবি কর রা হুঁ কবি ভাই কর রা হুঁ পতা নেই ক্যা কহ রা হুঁ মে। তো অঙ্কল বতা রে থে কি অভি হম বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট মে নেই হ্যায় জালুকাঠি এটা, হ্যাঁ জালুকাঠি ডিস্ট্রিক্ট মে আ গয়ে হ্যায় জেলা, হ্যাঁ ওই ডিস্ট্রিক্ট। তো আমি প্রথমে এখান থেকে খুলনা থেকে বেনাপোল হয়ে কলকাতা যাই। আচ্ছা কলকাতা থেকে ওখান থেকে আমি মহারাষ্ট্র যাই। মহারাষ্ট্রের নামে আমি কাপড়ের ব্যবসা করি। কাপড়ের ব্যবসা, হ্যাঁ। আচ্ছা কাপড়ের গ্রামে গ্রামে আমি ফেরি করি। আচ্ছা তো ফেরি করার পরে ওদিকে খাওয়া দাওয়ার সমস্যার জন্য আমার গ্যাস্ট্রিক আলসার লেগে গেছে। আচ্ছা গ্যাস্ট্রিকে পুরো চাপ দিছে। আচ্ছা তখন আমি এক দেড় বছর বাদে আমি কলকাতা চলে আসি। কলকাতা চলে আসেন? কলকাতা আসছে আমি চিকিৎসা করি, চিকিৎসা করার পরে মোটামুটি সুস্থ হওয়ার পরে আমি বাংলাদেশে আসি। আচ্ছা तो भाई साहब का स्टोरी कुछ ऐसा था कि भाई साहब यहाँ पे रहते थे, मुंबई में रहते थे, मालेगांव में, मालेगांव में रहते थे। तो वहाँ पे वो साड़ी का बिजनेस करते थे, मालेगांव से साड़ी लेकर उधर के आसपास के इलाके में बेचते थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनको वो खाना सूट नहीं किया। देखिए ये नॉर्मल सी बात है, जो जिस देश का है ना उसे थोड़ा खाना अच्छा नहीं लगेगा, फिर सूट भी नहीं होगा। तो इनको वहाँ पर खाना थोड़ा सूट नहीं हुआ तो इसके पेट में थोड़ा अल्सर वगैरह आ गया, जिसके लिए वो पहले कोलकाता आ गए मुंबई से। कोलकाता आके वहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह कराए, फिर वहाँ से तबीयत ठीक होने के बाद चले आए बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में आके ये बोट चला रहे हैं। इनका कोई और इनकम सोर्स नहीं है, बस ये बोट चलाते हैं। और लोकल लैंग्वेज में बोट जो चलाते हैं उसे माझी कहा जाता है। आई तो বেনাপোলটা মানে সব থেকে ফেমাস, বেশি যাওয়া আসা হয় ওখান দিয়ে।
देखिए मैं आपको दिखा रहा था ना एक झलक बांग्लादेश का, वो भी दिखा रहा था मैं आपको, बनानी और गुलशन वो दिखा रहा था आपको, वो एकदम ऊंची ऊंची इमारतें, और बांग्लादेश का और एक झलक है ये, और एक साइट है ये, देखिए एकदम से नेचर में आ गए हैं आप, बिल्कुल उस तरफ सूरज की किरण डायरेक्ट ना पड़ने वाली एक फॉरेस्ट है, उसके पास ये वाला केनाल, और सामने बच्चे शायद वहाँ पे पानी में खेल रहे हैं। ये देखिए घर सब पानी के किनारे ही, और इन लोगों के लिए जाना आना जाना पूरा ये बोट में रहता है। ये देखिए बच्चे अभी नहा रहे हैं या फिर खेल रहे हैं। यार इस तरह का लाइफ ना चाहिए मुझे, इस तरह का लाइफ चाहिए। ये देखिए मज़े में है यार। ये देखिए और ये देखिए पानी के किनारे एक स्कूल है, स्कूल। अच्छा कहने बच्चा जो सब आसे तो सब यही बोटे करे आसे ना कि रास्ता तक आसे ना। अच्छा और ये स्कूल के लड़कियां सब बैठे हैं, स्कूल कैंपस है, ये थोड़ा सा स्कूल कैंपस है। ये देखिए एक मंदिर है पूरा ये के किनारे, केनाल के किनारे एक मंदिर है, और ये ही वो जगह है जहाँ पे गुआवा का मार्केट लगता है। ये वो मेन जगह है जहाँ पे गुआवा का मार्केट लगता है, बिल्कुल इस ब्रिज से शुरू होके, और सामने वो छोटा सा ब्रिज आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा शायद, वो छोटा सा ब्रिज दिख रहा है वहाँ तक गुआवा मार्केट लगता है। तो यही है वो मार्केट एरिया, फ्लोटिंग मार्केट एरिया, पर अभी नहीं है। और फाइनली अभी खाने का वक्त है, लॉन्च टाइम, और लॉन्च मैं कहाँ पे कर रहा हूँ पता है? ये देखिए ये हो गया अपना टेबल, और वो हो गया किनाल्स, ये नीचे भी किनाल्स है देखिए।